पाकिस्तान के सबक़ वजीर अजम इमरान ख़ान आई एस आई को ललकार रहे हैं अपने धरनों में भी और अपने जलसों में भी और अब आई एस आई ने भी उनको खुल कर आकर पैगाम देना शुरू कर दिया है एक्सपोज़ करना शुरू कर दिया है सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और क्या वजह है कि आज तक पाकिस्तान का कोई सियासत पाकिस्तान की बहुत ही स्ट्रांग स्पाई एजेंसी के सामने ठहर नहीं सका फेस नहीं कर सका लेकिन इमरान ख़ान ना सिर्फ फेस कर रहे हैं बल्कि चैलेंज भी कर रहे हैं क्या उनको इस्टेबलिशमेंट के अंदर ये सपोर्ट हासिल है या सबसे ज़्यादा लाडला होने की वजह से इस्टबलिशमेंट के लाडला होने की वजह से उनको ये कॉन्फिडेंस हासिल है ये है हमारा आज का थीम ब्रिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ थर्ड ओपिनियन में इस पर बातचीत होगी बेस्ट साहब आपको खुश आमदेद कहते हैं आपको थैंक शुक्रिया। ये बताइए कि सर मैंने जो अपने अफ्ताही जुमले में कहा कि क्या वजह है कि इमरान खान इतनी सहूलत से या कोर्ट अन कोर्ट बहादरी से ये काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में पहले सियासदानों ने थोड़ी सी भी कोशिश की उनको मुंह की खाना पड़ी तो क्या इनको इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अभी भी सपोर्ट हासिल है जिसका कॉन्फिडेंस है ने? देखें जी ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है बुनियादी तौर पे ये बात आपकी सही है कि जिन लोगों ने इस तरह की कोशिश की इस तरह की कोशिश तो खैर हुई नहीं कि इस सतह पे किसी ने इस तरह नाम लेके ललकार कर इतना ओपनली जो है वो आईएसआई को क्रिटिसाइज़ किया हो या इवन दिन के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ तक का नाम लिया हो वो मुख्तलिफ़ इशारे कनाए में बातें होती रही हैं हर दौर में इवन के मज़बूत तरीन किस्म के जो पॉलिटिशनस हैं उन्होंने भी इस तरह का कोई काम नहीं किया और ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है अब ये क्रेडिट तो उनको बरल जाता है कि जो उन्होंने ये क्रिटिसज़म को जिस तरह के होना चाहिए जिस तरह के होना चाहिए इसलिए कि कोई भी मुल्क में कोई इदारा है या पर्सन है या कोई पर्सनालिटी है या जो भी लोग हैं वो किसी भी तरीके से उनको इस तरीके से आप एक मुकदस करार दे दें और इस हद तक उनके गिरद जो है वो तकदस का एक आला जो है वो आप खींच लें कि उनका नाम लेना तक भी जो है वो जुर्म करार पाए तो मैं समझता हूँ कि फिर वो इदारे जो हैं इधारा चुके इटसल्व तो कुछ नहीं ना अफराद का मजमू होता है उसका एक एड होता है तो वो फिर जिस आदमी का वो उस वक्त वो अगर कहीं टॉप पे आ गया तो उसकी अपनी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं अपनी जो कैरेक्टर है अपनी जो थिंकिंग है, है उसकी वजह से उस तकदस को बड़े गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में तो हमारी जो आप पूरे अगर पीछे चले जाएँ तीस चालीस साल की हिस्ट्री में जब से आई एक्टिवेट या नाउन हुई है पहले पता नहीं थी या नई गुमनाम थी लेकिन जब से ये एक्टिवेट हुई है तो इसकी तो बाकायदा एक हिस्ट्री है उस हिसाब से आपने देखा और इसमें जब वो लोग ये कहते हैं जी कि हम बतौर अदारा हमने ये नहीं किया तो उनका एक्सक्यूज़ कबूल किया भी अगर जाए तो बतुर हेड ऑफ दी आप एक इंस्टीट्यूशन के जब कोई काम करते हैं तो वो बुनियादी तौर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एदारा ही होती है क्योंकि आपका जो एक्टिंग हेड है या एग्ज़ीक्यूटिव जो भी पर्सन उस वक्त बैठा हुआ है आपके मामला पे वही उसका ज़िम्मेदार होता है और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे ऐसे लोग आते रहे हैं जिन्होंने ओपनली पॉलिटिक्स में मुदाखलत की और कुछ तो हद से बढ़ के तो वो तो मुल्क के समझ लें कि सया और सफ़ेद के आइडियोलॉग भी बन गए डिफेंडर भी बन गए मुस्तकबल की जो है वो पेशन गोइयाँ करने वाले भी बन गए जैसे जनरल गुल हमीद साहब और इस तरह के लोग और ये कोई सीक्रेट है नहीं इसमें आप देखें कि यहाँ तक कि वो जो फंडिंग का केस आया थासर खान केस जो है ालिबन नाम था उसका जिसमें कि इन्होंने लोगों को फाइनेंस करके तो जो है वो पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया और इलेक्शन को मैनिपुलेट किया तो इस तरह की हरकत जब कोई इदारा कर दे तो उसके बाद कहना कि नहीं जी ये इदारा नहीं है पैसे तो इदारे की ट्रेजरी से आते हैं ना जी किसी भी तो उसका जो है डायकाल बदलेगा एक इस्लामिस्ट आ जाएगा तो जहाज शुरू हो जाएगा एक रेडिकल आएगा तो कोई जनाब इनकलाब की बात शुरू कर देगा कोई और आएगा तो ये इस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि कोई शख्स आए जो इस बात को चैलेंज करे और मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज ना करने की माजी में जो वजूहत रही हैं उसमें एक तो ये था कि ये बहुत ही पावरफुल किस्म का इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकली स्पीकिंग के जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है जैसे कि हमने अपनी आंखों से देखा कि आप जो एम एन और एम को जो है इधर उधर करना उनसे वोट लेना उनके ज़रिए अदम अतम उनके ज़रिए हुकूमतों को टापल डाउन और नई हुकूमतों को वो इंस्टाल करने का जो सिलसिला है वो इतना तवील है कि उसकी मौजूदगी में तो जाहिर है आदमी किसी तरह भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि मुल्क को ये लोग चलाते रहे और इन लोगों की इस तरह बैक पे जो है जो बड़ा अदारा जो अपना इनका अदारा है वो इस तरह खड़ा रहा है तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि लोगों ने इसलिए उस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया उसकी मिसाल असकर खान केस है कि जब आप इस तरह पैसे बांटने के अमल में जो है वो शरीक हूँ और आपने पैसे लिए हूँ आपकी फ़ाइलें बनी हूँ आपने इस तरह के खुफ़िया इदारों को इस्तेमाल करके हुकूमत की हो आदम एतमाद करने एतमाद लेने के लिए इन लोगों की मदद ली हो तो फिर बंदा काबिल तो रहता नहीं कि वो फिर इनके खिलाफ खुल के सामने आए चूंकि वो फिर इस तरह के राज जो हैं उनको डिस्क्लोज़ करते हैं अब इसका आरगज़ मतलब ये नहीं कि इमरान ख़ान को इनकी मदद हासिल नहीं रही है इमरान ख़ान को इनकी कतई तौर पे बहुत ही अबसलूट किस्म की मदद हासिल रही है बल्कि आप यूँ कह लें कि ये जितने इदारे थे खा उसमें मिलिटरी हो उसके ज़िमनी और झैली किस्म के इदारे हों इंटर सर्विस इंटेलिजेंस हों या मिलीटरी इंटेलिजेंस हो अदलिया हो ये सब यक जबां हो के अगर सब नहीं तो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है इमरान खान के पीछे खड़ी रही जो गुजश्ता पाँच सात दस सालों से यहाँ पे प्रोसेस चला जिसमें इस्लामाबाद के धरने से लेके अदालती फैसलों तक और लॉन्ग मार्चों तक और हुकूमत के टापल डाउन और ये सारी चीजें उसमें कोई एक, एक, एक इंस्टेंस भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उनका कुली तौर पर जो है हाथ ना रहा हो लिहाजा ये कहना कि ये इन्वाल्व नहीं था तो इसने बात कर ली ये गलत है अलबत्तः मैं समझता हूँ कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं एक तो ये इनके अपने एक पर्सनैलिटी ट्रेट हर बंदे का अपना होता है कुछ लोग कुछ थोड़े से बेखौफ होते हैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिलेर होते हैं कुछ को परवाह नहीं होती या कुछ लोगों की अपनी कैलकुलेशन ऐसी होती हैं कि हम संभाल लेंगे एक बात एक ये फैक्टर था दूसरा फैक्टर इनका मैं समझता हूँ कि एक वेलमिंग किस्म की इनकी जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तानी अवाम में ना बातोरे पॉलिटिशन बल्कि बातोरे सेलिब्रिटी बातोरे चैरिटी वर्कर बतौर क्रिकेटर कर, कर, और इस तरह की चीज़ों की वजह से जो उसकी एक पर्सनल फूटिंग और पॉपुलैरिटी है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस आ गया यानी ओवर कॉन्फिडेंस जिसको आप कह सकते हैं और तीसरी चीज़ यह है कि जिन चीज़ों के लिए लोग इन इदारों की तरफ़ देखते हैं मसन फाइनेंसिंग है कि किसी को करोड़ दो करोड़ चार करोड़ दे दिया इलेक्शन के वक्त या उससे पहले या बाद या एक दो मेंबर यहाँ से वहाँ कर दिए इसमें भी जो है इमरान ख़ान की जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है वो इन ज़रूरियात को उसने ओवरकम कर दिया कि वो जितने पैसे मर्जी अवाम से रेज कर सकता है अनलिमिटेड यानी उसकी कोई लिमिट नहीं और ये है कि इलेक्शन के हवाले से अब ये देखें आखिरी सीट भी जो कल नतज आए हैं वो जीत गया है तो उसके अंदर एक ये जाहिर है कि एक सेंस आया है कि मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों के जो है आ, सारे चलने की और बेसाखियाँ इस्तेमाल करने की लेकिन इसका आरगज़ मतलब ये नहीं कि वो इन सब लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी कु खरीज आ, आयल हो गई है इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जिसने इमरान ख़ान को बाकायदा जो है वो उसका पुश्त बनाई या आशीर्वाद आप कह सकते हैं तो उसको हासिल है जिनको देख के तो उसके ये सारे जो है वो मामला और ये हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक क्रेडिट आप उनको दे ही दें कि पहली दफ़ा उसने इन इतनी ताकतवर किस्म की बाज़ हालात में इंतई बेरहम और खौफनाक किस्म की कुवतों को उनके कोर तक शेक करके रख दिया यानी उनकी शक्लों पे मजलूमियत टपकनी शुरू हो गई और वो माफ़िया मांगने और हाथ जोड़ने पे उतर आए दैट वॉज़ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कोई पॉलिटिशियन इनको इस सतह पे ले गया लेकिन इसमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इमरान ख़ान यूटर्न लेने में जो है वो बहुत मशहूर हैं और अगर ये सिचुएशन कोई बड़ा इशू बन ही जाए कि इतारों को इस तरीके से जलील करके सियासत से निकाला गया जो कि एक क्रेडिट की बात है तो वो इस पर यूटर्न ले के जैसे कि उन्होंने खुद का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो आई एस आर पी और जो आई एस आई के चीफ ने की है कि रात के अंधेरों में ये आके हमें मिलते हैं और दिन को गालियाँ देते हैं रात को माफ़ियाँ मांगते हैं तो ये वो किस तरफ इशारा है एक क्लियर किस्म की स्टेटमेंट है तो इस तरह के कैरेक्टर की मौजूदगी में जो आज भी हो रहा है आज देखें इमरान ख़ान साहब की एक बहुत ही चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी लॉन्ग मार्च का ऐलान करके लेकिन एट द सेम टाइम वो जो है वो रात को जाके मजाक कर रहे हैं ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है एक वक्त ऐसा था कि अगर सियासतदान इस तरह की कोई हरकत करें तो अवाम उसको एक बिट्रेल और एक धोखा समझ के तो उसको आउट जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते थे लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है उन्होंने उसमें आवाम को जो है वो सोचने समझने की सलाहियतें ही उनकी मफकूद हो चुकी हैं वो समझते हैं इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं उसमें जो है ना वो जो फ़लसफा वो पढ़ते रहते हैं कि असल चीज़ जो है वो मकसद का असूल है उसके लिए आप जराए जो इस्तेमाल करते हैं वो मैटर नहीं करते कि वो कितने नाजायज़ हैं कितने गैर अखलाकी हैं और कितने नापसंदीदा हैं तो इस वक्त जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो ये है जी बचा साहब बहुत सारी कॉम्प्लैक्स हैं आपने जिनकी तरफ इशारा किया और आई एस पी आर और डी जी आई एस आई की जो गुज्त हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने बहुत एपोलोजेटिक रवैया भी अपनाया उन्होंने कहा कि माजी में हमारे इदारे से गलतियाँ हुई हैं जो अब नहीं होंगी मैं ताती तौर पर नहीं समझता कि वो उनको वाकई गलतियां मानते हैं या अब वो अगर वो गलतियां मानते भी हैं तो आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे इसका इम्कान नहीं है कि जो पचहत्तर साल का प्रोसेस है वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ओवर अ नाइट ख़त्म हो जाए दूसरी तरफ इमरान खान को जिस क्रेडिट देने की आप बात कर रहे हैं वो वाकई ही अपरेंडली क्रेडिट देना बनता है मगर इमरान खान किसी असूल की बुनियाद पर ये एक्शन नहीं ले रहे उनका सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि मुझे दोबारा वापस लाएं। वो ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो चुके हैं यानी जानवर हो चुके हैं आप ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल भी नहीं रहे आप तो उनके साथ मिले हुए हैं वो कहते हैं मेरे साथ मिलें मुझे इकतदार में लाएँ मुझे अपनी गोद में बैठाएँ मैं फिर आपका ही आदमी हूँ और उसके साथ साथ जो उनकी पार्टी के लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं जो जर्नलिस्ट उनके लिए इतना बोल रहे हैं वो भी यही जज्बा रखते हैं उन्होंने हमेशा पहले हर उस शख्स को गद्दार और काफ़र कहा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं था ये वही लोग हैं अब इकदार से बाहर जाने की सूरत में इस्टेबलमेंट के ख़िलाफ़ हो गए इस्टेबलिशमेंट क्या आप ऐसा नहीं समझते कि इनको वापस ले आए तो फिर ये सबको पश्तूनों को महाजरों को और बलोचों को फिर ये गद्दार कहते फिरेंगे तो ये एंगल आप कैसे देखते हैं देखें जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये कोई असूल की लड़ाई नहीं है एक तो ये है ना कि आप ओसूल की लड़ाई लड़ें कि जी इधारों का क्या काम है या इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या काम है कि वो सियासत को मैनिपुलेट करें तो हम इसको एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो है फाइट करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं सियासत से बाहर निकालते हैं ये स्टेटमेंट अब तक नहीं आई है वाह वो इमरान खान हो या कोई और पॉलिटिशन हो बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी जैसा कि आपने कहा झगड़ा इस बात का है कि आप किसके साथ हैं और अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर आपके सारे गना माफ हैं और आप बिल्कुल दुष्सिमत में हैं ये इसका सबसे बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट किस्म का आस्पेक्ट है कि जिसमें आप देखें कि पॉलिटिशियंस और जो पोलिटिकल आपकी पूरी जो सेटिंग है वो इस हद तक बर्बाद हो गई है कि उसमें आप सरकारी इदारों को अपना अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने के लिए या दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए इस कदर बड़े बड़े इवेंट जो हैं वो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े जो है वो मार्च कर रहे हैं जिसके बहुत ख़तरनाक नतज अवाम के लिए निकल सकते हैं और निकल रहे हैं चूँकि आप बहुत अकाउंट्स पे जो है वो आप मुल्की मफादात को अवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप ए, उनको दाव पे लगा रहे हैं और जंग सारी ये हो रही है मैंने पहले भी अर्ज किया था अगर उसको बॉटम लाइन सादा जबान में डाल दिया जाए तो नेक्स्ट चीफ कौन होगा और जो नेक्स्ट चीफ होगा वो ज़ाहिर है ख़ुद ब खुद बाखुद आई एस आई को और एम आई को भी कंट्रोल करेगा ये मतलब एक सादा सफल सफा है तो असल लड़ाई तो ये है अब जिस मुल्क में इतनी बड़े बड़े असूलों की लड़ाइयाँ लड़ी जाती रही हैं नामिनलिस सही किसी ज़माने में कि जुल्फकार अली भोटो जो है उसने अमेरिका को चैलेंज कर दिया था कि हम बड़ी खुददार नेशन हैं और घास खाएँगे और एटम बम बनाएंगे फ़लान साहब जो हैं उसने इंडिया को चैलेंज कर दिया था कि हम जनाब जो भी है लेकिन हमारी जो भी सिचुएशन है लेकिन हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं तो वहाँ पे जाके तो वो आपकी सारी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो इस चीज़ के गर्द घूमनी शुरू हो जाए कि अगला जर्नल काउन होगा तो इसका मतलब ये है कि आप कोई प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंटेरियन की बात नहीं कर रहे हैं या मुल्क में डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे बल्कि मुल्क का जो सबसे पावरफुल अदारा है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चार्ज़ हैं कि उसने सियासत को मैनिपुलेट किया और कंट्रोल किया है उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के इंतखाब की आप बात कर रहे हैं नामजदगी की बात कर रहे हैं ताकि उसकी आड़ में और उसकी जनाब वो जो छत्तर छाया कहते हैं उसके नीचे आपकी पॉलिटिकल जो भी ख्वाहत हैं या छोटे मोटे अहदे हैं वो चलते रहे हैं अब इसमें शक की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इस पूरे काफिले को जो आदमी लीड कर रहा है और जिसको हम क्रेडिट दे चुके हैं जिसने इस पूरे सिस्टम को टू द कोर इलाके रख दिया है उसने खुद तस्लीम किया है साढ़े तीन साल तक के जो कुछ था उसने डिफाइन किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और हुकूमत किसी और की थी अब वो कोई और शाहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या जरदारी या कोई और तो था नहीं ना वो कोई और जाहिर है यही लोग थे जिनकी तरफ बार बार इशारे भी किए जा रहे हैं और उनके नाम भी लिए जा रहे हैं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि ये खास सतह पर यह लड़ाई आ गई है जहाँ पे ये लोग एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरीके से लेकिन अवाम के अंदर कोई ऐसी कुवत नहीं है जो इसे एक प्रिंसिपल स्टैंड के तौर पे लेके तो इसको असल डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की लड़ाई बनाए और जिससे ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस विश सर्कल से निकल सकें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही बल्कि अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली तो वो ये है कि ये मामला जो है ना एसर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रही है जिसमें एक बात तो मान ली गई है कि इस मुल्क का असल हुक्मरान आर्मी चीफ है चूंकि अगर नहीं है तो फिर ये सारी लड़ाई बेकार हो जाती है दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ इज नॉट अबाउट इमरान खान दूसरे भी इस पे इसी तरीके से उनका एटीट्यूड भी तकरीबन जो है वो इसी तरीके का है एक आदमी जो है वो कहता है मैं जमहूरियत की लड़ाई और पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो पाकिस्तान के आइन में क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है ना कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री चीफ है उसकी अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है जो कि नरशल में ये है कि जो भी आपका सीटिंग वज़ी है वो चोर है डाकू है या जो भी है लेकिन जो भी वजीर अजम के रखता है ये उसकी काल है कि मुल्क का जो आर्मी चीफ किसको नामिनेट करता है तो जो आदमी कहता है कि मैं इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं, वो अगर ये मुतालबा करे कि नहीं जी जो कुछ आउन में लिखा हुआ है उसको एक तरफ रखें, तो आप जो है वो हमारे साथ आए या किसी और तरीके से जो है वो इस मामले को ऐसे तरीके से अपॉइंट करें कि ये आईनी तरीके को बाईपास किया जाए तो जिस इसे आदमी से आप कैसे तवक रख सकते हैं कि वो मुल्क में कोई रेवोल्यूशनरी कोई डेमोक्रेटिक कोई आइडियल किस्म के सिस्टम की बात करेगा या उसको आप होल्ड करेगा जब आप मुतालबाई जो है वो कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को गैर कानूनी तरीके से अपॉइंट किया जाए तो सादा जबान में गैर कानूनी हो गया ना कि जब आइन में आज जो लिखा हुआ है वो आपको मंजूर नहीं है उसकी कोई भी रीज़न है तो इसका मतलब है कि गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो है उसको अपॉइंट किया जाए चूंकि आइन की मंशा के मुताबिक नहीं हो रहा ये नेटशल में प्रॉब्लम है जनाब जी बहुत ही गंभीर सूरत हाल और इंटरेस्टिंग भी है बशाइन साहब आपने पीछे ज़िक्र किया कि इमरान ख़ान जब इकदार में थे तो भारत के ख़िलाफ़ एक शदीद नरेटिव उनका रहा और कश्मीर के हवाले से उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं भारत के ख़िलाफ़ लड़ूँगा न्यूक्लियर असासे होने तक की धमकी दी लेकिन अमली तौर पर इमरान खान ना कुछ कर सके ना कुछ किया अब वो जब से इकदार से बाहर हैं भारत को ही आ, एक आइडियल मुल्क के तौर पर कई बार पेश कर चुके हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की बहुत अच्छी रही और कहते हैं मैं उसकी दाद देता हूँ और भारत में कुछ हमारे जो दोस्त हैं भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामला पे ना कोई कभी कमेंट्री आई ना वो कभी हमने यानी इस मौजूदा तनाजर में मैनूवरिंग देखी हमारे अपने दोस्त मेजर गौरव आर्या जी हैं और वो सिर्फ टेलीविज़न की हद तक बयानबाजी देते हैं और तंजन कहते हैं कि इमरान ख़ान भारत के लिए आ, काम कर रहे हैं वो तंजन कहते हैं कि जो कुछ वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ आ, बातें कर रहे हैं उससे भारत का परपज सर्व होता है तो आप इस सारे आ, पचीदा मसले को कैसे देखते हैं आ, देखें जी ये भी इमरान खान साहब के यू टर्न की एक शक्ल है आल दो के वो जो बात कर रहे हैं वो किसी भी पाकिस्तान के सैन पॉलिटिकल माइंड को यही बात करनी चाहिए ये जो फैक्ट है इस पर कई दफ़ा जो है वो उन्होंने पहले बात की कि जी वो अयूब खान के ज़माने में हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि अयूब खान को जो है वो लंदन से आके ले जाया जाता था वाशिंगटन में और उनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता था ये आपने उनकी तकरीरें सुनी होंगी उन्होंने कई दफ़ा ऐब खान की इस हवाले से तारीफ़ की है कि अमरीका में उनको बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता उसकी वजह ये थी कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी ये मैंने खुद अपने कानून से सुना और आंखों से देखा आज वो कहते हैं जो अयूब खान की पॉलिसी के बिल्कुल उलट पॉलिसी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो दुनिया की सबसे बेहतरीन पॉलिसी थी तो इस बात का क्रेडिट मैं उनसे छीनना नहीं चाहता मैं इस बात पे मैंने कुछ सौ से ज्यादा आर्टिकल भी लिखा होगा और डिफरेंट प्लेसेस पे मैंने ये डिस्कशन भी की होगी कि भारत की जो खारजा पॉलिसी थी वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पॉलिसी थी जिसकी वजह से भारत आज जहाँ खड़ा है वो वहाँ खड़ा है अगर उस वक्त भारत जो है 1947 में ये पॉलिसी इख्तियार ना करता तो भारत की जो ख़ुद कफालती बुनियादों पे तरक्की हुई जो उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई जो आगे चल के उसमें एक अतमाद आया एज़ ए नेशन इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स में उसका जो स्टैंड बना वो नहीं बन सकता था और ये चीज़ जो है इसमें बिल्कुल क्लियर किस्म की जो पोजीशन थी ये पार्टीशन से पहले से ये कोई बात नहीं है कि ये पार्टीशन के बाद भारत ने एक नया स्टैंड लिया बल्कि बर सग़ीर की तकसीम से पहले भी ये डिबेट तो होते थे ना कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो इसकी जो है वो खारजा पॉलिसी क्या होगी तो उसमें जनाब कांग्रेस ने ये रिपीटडली क्लियर कर दिया था और पंडित नेहरू ने कोई दो से ज़ायद ऐसे मौक़ों पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस में जो इंटरनेशनल रिलेशन पे उनको बुलाया गया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो सर्द जंग में एज ए पान इस्तेमाल नहीं होगा किसी एक के हाथों में ये एक बिल्कुल क्लियर किस्म की पॉलिसी थी जिसके जवाब में कायद कायदेजम मोहम्मद अली इजना ने मई में जो है दो अमरीकी स्वारत से मुलाकात की और उन स्वारत से उनको कहा उनको एक्सप्लेन किया कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी तो उन्होंने कहा जी हमारी खारजा पॉलिसी दो चीज़ों पे बेस करेगी एक तो ये है कि हम डिपेंड करेंगे अरब दुनिया पे चूँकि अरब दुनिया के साथ हमारे तारीखी और काफ़ती रिश्ते हैं जो कि पोलिटिकली ज़ाहिर है इन करैक्ट और एक तरह से गलत स्टेटमेंट थी लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम इस पर डिपेंड करेंगे और जब हम इस पर डिपेंड करेंगे मिडल ईस्ट पे चूँकि हमारे तारीखी और काफती रिश्ते हैं तो अल्टीमेटली हमारा टकराव जो है वो सोवियत यूनियन के साथ होगा चूंकि सोवियत यूनियन जो है वो खलीज फारस में और अरब कंट्रीज में आयल की वजह से मदाखलत कर रहा है और जाहिर है इस सूरत में हमारी सर्वाइवल ऑन क्वेश्चन हो जाएगी जिसके लिए हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत होगी ये उन्होंने मई जो है उन्नीस सौ में पाकिस्तान बनने से चंद माह पहले बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी ये हिम्मत है जिसके अपोजिट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो कुछ भी हो जितने बड़े नाइज भुगने पड़े हम भुगतेंगे लेकिन सर्द जंग में हम किसी के हाथ में जो है खलूना बनने के लिए टाई वी आर नॉट द ऑफ बिग फोर्सेस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वो पॉलिसी जो है वो हिंदुस्तान ने अडॉप्ट की और बाद में इतना बड़ा प्रेशर के बावजूद अल्टीमेटली रूसियों ने भी और फिर अमरीकियों ने भी तस्लीम किया कि हिंदुस्तान की जो नन अलाइन मूवमेंट थी उसमें लॉजिक था और उस बुनियाद पे उन्होंने हिंदुस्तानी लीडरों को जो है वो बहुत बड़ी इज्जत दी और आज जो आके तो ये रूस यूक्रेन जादम की शक्ल में या इंडियन ओशन में या इंडो पैसिफिक में ये जितनी चीज़ें उसमें जो इंडिया का एक इंडिपेंडेंट स्टैंड सामने आया उसके पीछे ये पूरी सत्तर साल की हिस्ट्री है ये कोई रातों रात उन्होंने यू टर्न नहीं लिया जो कि जबकि पाकिस्तान उसके बाद जिस बैंड वैगन पे बैंड वैगन पे चढ़ा और जिस तरह उसने बुगदाद पैक्ट में सीटों में सैनिटों में अमेरिकन के साथ जो उन्होंने मायदे किए उसके नतीजे में तो वो एक कॉलोनी बन के रह गया था तो इसलिए इमरान खान जो है वो पहले पाँच साल तो ये कहते रहे कि हमारी वो पॉलिसी ठीक थी और जब उनको ये धचका लगा जो कि ये धचका ये रूस के खसूस बाद जब उन्होंने विजिट की तो उन्होंने अचानक कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो हम इंडिया की पॉलिसी तो बड़ी थी जो सही बात है इंडिया की पॉलिसी बड़ी सॉलिड इसलिए मैंने उसको कनेक्ट किया हिस्ट्री के साथ बेदाग किस्म की पॉलिसी थी लेकिन इमरान खान जिस मकसद के लिए वो कह रहे हैं वो ताना दे रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि आप तो जनाब बूट पॉलिश करते थे तो ये तो हिंदुस्तान ने तो बहुत कमाल की पॉलिसी बनाई इसलिए मैं उस पॉलिसी को प्रेज करता हूँ तो इस हिसाब से मैं समझता हूं कि बात उनकी बड़ी सही है और इसका क्रेडिट हिंदुस्तान को जाता है और आज हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इज़्ज़त है जो एहतराम है उसके पीछे ये जनरेशन टू जनरेशन का एक वर्क है पाकिस्तान की आज जो जिस तरीके से जो है आइसोलेशन है और जिस तरह उसने अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ाया की है उसके पीछे पाकिस्तान की यही गलत पॉलिसियाँ और एज़ ए स्टूज इस्तेमाल होना और इंटरनेशनल जो कोल्ड वार थी उसके अंदर एक फुट सोल्जर का रोल प्ले करने का नतीजा है कि आज पाकिस्तान पे कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं आता कि अमेरिका भी नहीं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है अगर दो तीन मुल्कों को इस्तेमाल किया तो उसमें सारे फ्रत जो है वो पाकिस्तान जी बशा साहब आखिर में इस एंगल की तरफ मैं आता हूँ आपने कहा कि इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत की जो है वो चाहत हमें नज़र आती है इसीलिए इमरान ख़ान मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ फिलफौर करवा दिए जाएँ क्योंकि उन्हें भी ख़तरा है कि अगर उनकी मकबूलीत में कमी वाक़ हुई तो फिर वो मेजॉरटी से हकूमत नहीं बना सकेंगे ये खेल है पावर स्ट्रगल का लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान की तमाम तर गलत बयानियों, ड्रामा बाजियों, झूठ बोलने का जो एक बहुत ही खौफनाक तरीक़ाकार है कि आज वो साइफ़र के बारे में कोई बात करेंगे कल कोई करेंगे पहले वो अमेरिका को अटैक करेंगे फिर वो उस मसले को ही गायब कर जाएंगे ये उनकी सियासत का उनकी शख्सियत का अरसा दराज से एक चल रहा है लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो उनका चाहते हैं वो बिल्कुल नज़रअंदाज करती है इमरान ख़ान के इन मसाइल को इन खामियों को तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह का इमरान ख़ान का माइंड सेट है बदकस्मती से उसी तरह पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत का भी माइंड बन चुका है देखें जी वो जिस तरह का इमरान खान का माइंड सेट है इस तरह का पाकिस्तान की अवाम का माइंड सेट नहीं बन चुका बल्कि इमरान खान ये समझ गया कि पाकिस्तान की अवाम का माइंड सेट क्या है वो जो अबीब जालब ने कहा था ना कि ये जो दस करोड़ हैं जोल का निचोड़ हैं तो आप हमारे यहाँ लिटरेसी रेस जो रेट और पॉलिटिकल एजुकेशन और लोगों की फैम और उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ अखबार कितने निकलते हैं कितने पढ़े जाते हैं रेडियो क्या है मीडिया क्या है हर चीज़ सामने रख के देखें तो वो बात समझ गया कि भाई इन लोगों का तो कोई मसला ही नहीं कि मैं क्या कहता हूँ इन लोगों का मसला है कि खान साहब कहते हैं बस ठीक है तो उन्होंने दाएं बाएं वो ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी पॉलिटिशन ने इस सतह पे इतने वाज तरीके से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टोरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं दी हुआ उनमें आप बदतरीन किस्म के डिक्टेटर्स लेके आए जिन पे लोगों को शदीद किस्म का शिकवा था कि वो वादा खिलाफी करते हैं इकदार पर काबज हो के कहते नाव दिन हैं और रहते नौ साल हैं और इस तरह की जो बड़ी बड़ी सामने वाली चीज़ें थी लेकिन एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन जिसने अपने आप को दोबारा अवाम के दरबार में हाजिर करना है वो इस तरीके के यू टर्न और इस तरीके की तजाद बयानी और उसका जो कमाल है ये सिर्फ़ इमरान ख़ान साहब ने किया और उसके बावजूद लोग उसके साथ हैं मेरी अपनी असेसमेंट जो है यू इट की टर्नाट वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशन जो है वो इमरान खान है और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि लोग उसकी तकरीर नहीं सुनते कि वो क्या कह रहा है अगर वो उसकी तकरीर पे जाएंगे तो फिर तो मोस्ट पॉपुलर लीडर नहीं हो सकता कि एक आदमी कल कुछ कहता है आज कुछ कहता है एक दिन रियासत मदीना बना रहा होता है दूसरे दिन चीन बना रहा होता है एक दिन स्वीडन बना रहा होता है दूसरे दिन वेस्ट को गालियाँ दे रहा होता है एक दिन करप्शन के ख़िलाफ़ होता है दूसरे दिन सबसे बड़े करप्शन के बड़े बड़े पिलर जो हैं वो अपनी बगल में लेके बैठा होता है यानी यू नए मेट तीन दिन बोल सकता हूँ मैं मसलसल इस इशू पे लेकिन उनको वो उस तरफ जाएँ तो बात बने ना जी कि ये कंट्राडिक्शन है ये है वो तो कहते हैं जी खान साहब ने फरमाया यही वो प्रॉब्लम होता है जो जाके तो है जो हैं वो ट्रबल में हो जाती हैं कि जब वो लीडरशिप के इस तरह के शहर में गिरफ़्तार हो जाती हैं और वो देखना सोचना और समझना जो है वो छोड़ देती हैं इस तरह के जो लोग अलेक्ट होते हैं वो ज़ाहिर है फिर उनके नेक्स्ट इकदाम को आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने फिर क्या करना है ये ऑबियस है जी बिल्कुल आखिर में ब्रीफली हमें ये बताइए बसाई साहब कि इमरान खान की सपोर्ट पाकिस्तान के इलिटरेट मासिस में ही नहीं शायद उसमें इतनी बड़ी ना हो मगर जो हम मिडिल क्लास देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं वो देखते हैं और खास तौर पर आप डाइस्पोरा देख लीजिए कैनेडा हो अमेरिका हो यूरोप हो यहाँ पर इमरान ख़ान की जिस तरह की सपोर्ट है यहाँ पर तो इलिटरेट डायस्पोरा के लोग नहीं बैठे हुए तो उसकी क्या आपको वजह नज़र आती है नहीं देखें जी का लफ्ज़ तो थोड़ा सा इंसल्टिंग है इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन देखें एक पढ़े लिखे में और एक आदमी में जिसके पास डिग्री है फ़र्क होता है और ये बातें अब आम डिस्कस होना शुरू हो गई हैं चूँकि फ़र्क बहुत उबर उबर के सामने आ रहा है कि जिस तरीके के पढ़े लिखे लोग हमारे हैं उनकी पढ़ाई का जो स्टेटस है जो डेफ्थ है जो अंडरस्टैंडिंग है क्रिटिकल थिंकिंग है इन चीज़ों से कोई तलग नहीं है और ये गुज्तर तीस साल से पाकिस्तान में हो रहा है कि जिस तरह रटा लगा के नकलें करके रिश्वत दे के पैसे दे के शारस करके रेफरेंस दे के जिस तरह डिग्रियाँ तकसीम हो रही थी उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास आपकी एमर्ज हुई है जिसके पास आई टीज की डिग्रीज़ हैं ला की डिग्रीज़ हैं किस किस की डिग्रीज़ नहीं हैं लेकिन जब आप उनसे दस मिनट बैठ के बात करें तो आप देखेंगे कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं और ये उसकी सबसे ब्रिलियंट एग्जांपल है कि वो इमरान ख़ान की इन तमाम तर जो उनकी जो है वो क्या कहते हैं इधर झुकाओ और उधर झुकाओ और इधर छलांग और उधर छलांग और एक बात और उसके जिद दूसरी बात पॉलिटिशियंस जो हैं वो जब मुल्क की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं तो मुमकिन है एक चीज़ में और दूसरी में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए लेकिन बिल्कुल ही अपोजिट समत में चला जाना जिस तरह के आपने इंडिया के मिसाल दी कि एक वक्त में इंडिया जो है वो उनके नज़दीक दुनिया का सबसे जो है वो ख़तरनाक तरीन मुल्क है जो पाकिस्तान को निगलने के उसमें है और दूसरे दिन उनके नज़दीक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दुनिया की बेस्ट पॉलिसी है तो बेस्ट पॉलिसी का मतलब यही है ना कि वो एक जस्टिफाइएल बेस्ड ऑन जस्टिस रेशनल लॉजिक इन चीज़ों पर कायम है तो ये जो इस तरह के जो कंट्राडिक्शंस हैं वो उनके सपोर्टर्स स्पोर्टस ख्वाज वेस्ट में भी बैठे हुए हैं वो अगर समझ में उनको आती है तो वो समझना भी नहीं चाहते जनाब उसकी वजह ये है कि ये जो क्लास जिसकी तरफ आपने इशारा किया मिडिल क्लास पढ़ी लिखी क्लास ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार और अपॉर्चुनिस्ट क्लास है इनकी एहसास कमतरी का मदावा जो है वो इनको नज़र आता है इमरान ख़ान की शख्सियत में कि एक टाल हैंडसम इंटरनेशनली फेम क्रिकेटर एजुकेटेड ऑक्सफोर्ड में पढ़ा अच्छी अंग्रेज़ी बोलता वगैरह वगैरह ये चीज़ें जी ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है तो हम कोई मामूली लोग हैं अब ये चीज़ें जो होती हैं ना ऐसा से कमतरी इसका कोई ये मल्टाई जो लेड किस्म का एक प्रॉब्लम होता है और इसमें लोग कहाँ जाके अपनी सेटिस्फेक्शन फील करते हैं ये आप जो है वो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है मिडिल क्लास का और दूसरा ये है कि उनमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिज्म होता है और उनको सियासत के नज़दीक कोई जाने नहीं देता था आपने देखा था कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पे किस किस तरह के लोग काबस थे और वो जो गा माजे उस पे काबज थे वो इस तरह के मिडल क्लासिए को तो सामने से नहीं गुजरने देते जो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल रहा है या जीन पहन के तो वो कहते हैं ये तो अवाम का आदमी नहीं है जनाब तो उसको कभी सियासत में अपना कोई चांस नजर नहीं आता था कि वो उसके एज ए वोटर भी कभी उसको कोई जो है वो लिफ्ट कराएगा तो अचानक उसे नजर आया कि मैं पॉलिटिक्स में जो है डिसीजन मेकर बन सकता हूँ और उसने जाके ऐसे ऐसे डिसीजन किए कि घर करके रख दिया इमरान खान के इर्द गिर्द जिन लोगों ने डिसीजन किए ख्वाब फॉरन पॉलिसी के किए हों दैट वॉज ए डिजास्टर डिफेंस के किए हों दैट वाज डिज़ास्टर डेवलपमेंट और इकानोमी पे किए हों वो डिज़ास्टर था तो ये पूरा एक सिलसिला है जनाब एक आदमी जो नीचे बैठ के नारा मार रहा है और एक आदमी जो वहाँ बैठ के डिसीजन कर रहा है उनके दरमियान ये कदर मुश्तरक है कि ये एक मिडल क्लास जो है इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार अपॉर्चुनिस्ट क्लास है जिसको अपनी जाति किस्म की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही थी जिसके लिए उसने छलांग लगा दी बहुत शुक्रिया बशानी साहब हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने भरपूर अंदाज में हसब मामूल तैजिया किया बातचीत आपके साथ होती रहेगी व्यूर्स बातचीत सुन रहे थे थर्ड ओपिनियन में ब्रिस्टर हमीद बशानी साहब की और आप हमारे टैग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके साथ साथ हमारी एप्स को भी डाउनलोड कीजिए आज का तजिया मेरे साथ और ब्रस्टर बशानी साहब के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.